और इधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमास लड़ाकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घरों में घुसकर इजरायली सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। गाजा के बाद सबसे ज्यादा ऑपरेशन वेस्ट बैंक में हो रहे हैं। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमास के खिलाफ छापेमारी कर रही है। हमास की जड़ को वेस्ट बैंक से मिटाने में जुटी हुई है। इजरायली सेना और हमास समर्थकों के आर पार की लड़ाई जारी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को हथियारों का जखीरा मिला है। हमास समर्थकों पर कार्रवाई करते हुए आईडीएफ ने एक विस्फोटक गोदाम को उड़ा दिया। जेनिन में विध्वंस की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां इजरायली सेना ने एक रिहायशी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। जेनिन कैंप के पास आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलदहाब इलाके में मौजूद एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। इसराइल को शक था कि इस बिल्डिंग में हमास का कमांड सेंटर है और यहां कई लड़ाके मौजूद हैं। आईडीएफ को जब हमास लड़ाके की मौजूदगी का पता लगा, उसके बाद इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। और हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। लाल सागर में नौसेना टास्क फोर्स बनाना चाहता अमेरिका। 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। लाल सागर में अमेरिका और इसराइल को निशाने बना रही हूती विद्रोहियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। अमेरिका लाल सागर में नौसेना टास्क फोर्स बनाना चाहता है, ताकि हूती विद्रोहियों के हौसलों को पस्त किया जा सके। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है। हूती विद्रोही लगातार इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए इजरायल ने विध्वंसक तैयारी की है। इजरायली नौसेना ने कहा है कि उसने मिसाइल से लैस जहाजों को लाल सागर में तैनात कर दिया है। उधर हूती विद्रोहियों ने इसराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक गाजा पट्टी को भोजन और दवा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। हूती विद्रोही पिछले कई दिनों से इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में बढ़ती तनातनी से युद्ध की आग और भड़कने की आशंका है। और इधर ज़ापोरिज़्या पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी विमानों ने यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन में पिछले 2 सालों से खूनी संघर्ष जारी है। गाजा युद्ध के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। जंगी मैदान में रूसी सेना आक्रामक होती जा रही है। ज़ापोरिज़्या पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस के बमबारशक विमानों ने यूक्रेनी कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या में कहर बरपाया है। रूसी बमबारी में यूक्रेनी ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के वॉर जोन में पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन रूसी सेना को निशाना बना रहा है। बैटल ग्राउंड में अमेरिका के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमर्स का एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट हमले किए हैं। यूक्रेन हमले में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। डोनेस में बीते 24 घंटे में भीषण जंग जारी है। डोनेस के अवदीपका में दोनों सेना के बीच बारूदी प्रहार जारी है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी फोर्स ने रूस के 42 हमलों को नाकाम कर दिया। रूसी हमलों का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया।